नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलग अलग तरह की टेक न्यूज, रूमर्स और लीक्स वगैरह। मैं सुमित दे रहा हूँ, आप सभी का स्वागत है टेक रफ्तार की हिंदी टेक न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है इसे दबाने के बाद हमें आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे जो पहली जो टेक अपडेट जो निकल के आ रही है वो है एप्पल के प्रोडक्ट से रिलेटेड। आप सभी को पता है एप्पल के आईपॉड काफी पॉपुलर हुआ करते हैं। आईपॉड नैनो और आईपॉड शफल को अब ऑफिशियली जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसके मुताबिक एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है माइक्रोमैक्स के एक नए स्मार्टफोन से रिलेटेड, जो कि हो सकता है सेल्फी 2। कुछ लीक्स और रूमर्स के मुताबिक इसमें आपको देखने को मिल सकता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जैसे कि इसके कुछ ऑनलाइन इमेजेस और जो डिटेल्स वगैरह लीक्स में निकल के आई है। अगली अपडेट की अगर हम बात करें तो वह है लेनोवो के K8 स्मार्टफोन की, जो कि हो सकता है लेनोवो का जो K6 स्मार्टफोन है उसका एक सक्सेसर हो, यानी कि उसका एक नया वर्जन आपको देखने को मिल सकता है इस लाइनअप में। और कुछ जो रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है उसके मुताबिक इसमें आपको आने वाले टाइम पे हो सकता है मिल जाए देखने को मीडियाटेक का टेकअप और हीलियो X20 प्रोसेसर, इससे की कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। इसी के साथ हो सकता है आपको इसमें 3 GB की रैम देखने को मिल जाए। इसी के साथ एंड्रॉइड 7.1.1 का आपको इसमें सपोर्ट हो सकता है देखने को मिल जाए। अगर हम इसके बेंचमार्किंग स्कोर्स की बात करें जो रिपोर्ट्स में निकल के आई है और कुछ लीक्स वगैरह में निकल के आई है, तो इसका जो सिंगल कोर स्कोर निकल के आया है वो है 1659 का, और जो इसका मल्टी कोर स्कोर जो निकल के आया है वो है 4844 का इसका स्कोर निकल के आया है बेंचमार्किंग साइट्स वगैरह पे। अगली अपडेट की अगर हम बात करें तो वो भी है एप्पल आईफोन 8 के बारे में, यानी एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कि जल्दी हो जाएगा लॉन्च। एप्पल का आईफोन 8 की अगर हम बात करें तो उसके काफी रूमर्स और लीक्स निकल के आ रहे हैं। अब एक और जो नया लीक निकल के आ रहा है वो है इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, यानी कि इसमें आपको हो सकता है देखने को मिल जाए एप्पल की तरफ से आईफोन 8 में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। अगली अपडेट की अगर हम बात करें तो वह है नोकिया के एंड्रॉइड स्मार्टफोन से रिलेटेड। तो आपको हो सकता है जल्दी नोकिया के एंड्रॉइड जो स्मार्टफोन है उसमें आपको लुमिया कैमरा का UI देखने को मिल सकता है, इससे कि कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रहे हैं और कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है नोकिया के जो लुमिया स्मार्टफोन लाइनअप था उसमें कैमरा UI काफी डिफरेंट हुआ करता था, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा मिलता जुलता था एंड्रॉइड फोन से। तो इस तरीके से आपको अब लुमिया कैमरा UI भी इस नोकिया के नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा जल्दी, जिससे कि अपडेट्स निकल के आ रही है। अगली अगर हम अपडेट की बात करें तो है अमेज़न के एक सर्विस, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो है अमेज़न लॉकर आप इसे कह सकते हैं। तो अमेज़न ने काफी शांति से इसे इंट्रोड्यूस कर दिया अमेज़न हब के, इसका नाम उन्होंने हब रखा है। और ये लॉकर सिस्टम प्राइवेट रेसिडेंस और के उसमें यूज आप कर सकते हैं, जैसे इसमें आपको जो डिलीवरी रखनी है ये सब आप इसे उसे एक लॉकर के रूप में यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, जैसे कि अमेज़न ने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है। अगली अपडेट की अगर हम बात करें तो वो भी एप्पल से रिलेटेड है। AR ग्लासेस पे हो सकता है एप्पल काम कर रहा है, जिससे कि कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है हमें एप्पल की तरफ से AR ग्लासेस, यानी कि इस फील्ड में हमें कुछ नया प्रोडक्ट या फिर इनोवेशन देखने को मिल जाए, इससे की अपडेट्स निकल के आ रही है। अगली जो टेक न्यूज है वो है सोनी के एक्सपीरिया Z1 स्मार्टफोन से रिलेटेड। तो दोस्तों हो सकता है इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 835 और 4 GB की रैम आपको इसमें देखने को मिल सकता है, जिससे की अभी कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है। अगर हम इसके सिंगल कोर स्कोर्स की बात करें तो ये भी एक Geekbench वगैरह पे जो इसकी बेंचमार्किंग कोई साइट है उस पर लीक्स में निकल के आ रहा है, रिपोर्ट्स में जो निकल के आ रहा है, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सिंगल कोर स्कोर का जो स्कोर है वो है 1909 और मल्टी कोर स्कोर है 6459, इससे की कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। अगली अपडेट की अगर हम बात करें तो लीक्स वगैरह में निकल के आ रही है वो है Huawei Mate 10 से रिलेटेड, जिसमें कि आपको हो सकता है देखने को मिल जाए एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि काफी अच्छी बात है, यानी आपको पूरा एक स्क्रीन का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रही है। अगली और आखिरी जो टेक्निक है अभी की वो है इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के बारे में। शायद से आप लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा और मैंने भी वैसे भी अभी ही सुना है। तो ये हो सकता है स्मार्टफोन जल्दी इंडिया में लॉन्च, जो कि वो एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे हो सकता है ये लॉन्च। एक हांगकांग बेस्ड मोबाइल कंपनी है, यानी कि स्मार्टफोन कंपनी है, जल्दी इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करने वाली है, जो कि हो सकते हैं इसके मॉडल्स कुछ स्मार्टफोन के 04, 04 प्लस, इस तरीके से कुछ स्मार्टफोन इस मॉडल
इस कंपनी के स्मार्टफोन के मॉडल हो सकते हैं। अगर हम 04 प्लस की बात करें तो इसके स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह के उनके हो सकते हैं। 5.9 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले आपको, आईपीएस डिस्प्ले आपको हो सकता है इसमें देखने को मिल जाए। इसी के साथ 2.5D का आपको इसमें ग्लास भी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल सकता है। मगर आपको इसमें हो सकता है प्रोसेसर मिल जाए मीडियाटेक का वीलियो X20 टेका कोर प्रोसेसर 2.1 GHz पे और माली T880 का जीपी हो सकता है देखने को मिल जाए। इसी के साथ हो सकता है इसमें आपको रैम देखने को मिल जाए 4GB की। इसमें आपको दो तरह के स्टोरेज वेरिएंट ऑब्वियसली देखने को मिल सकते हैं, 32GB वाला और 64GB वाला स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके फोटोग्राफी सेक्शन की बात करें इसमें आपको हो सकता है देखने को मिल जाए 20.7 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और OIS के साथ इसमें आपको हो सकता है सपोर्ट भी देखने को मिल जाए। इसी के साथ 13 मेगापिक्सल का हो सकता है आपको इसमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर हम 04 वाले मॉडल की बात करें इसमें आपको इससे थोड़ा एक लोअर वेरिएंट आप कह सकते हैं 04 प्लस का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मीडियाटेक MT7653 हो सकता है प्रोसेसर मिल जाए जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसी के साथ आपको इसमें 3GB की रैम और 32GB का स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का आपको इसमें रियर कैमरा हो सकता है देखने को मिल जाए, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए आपको इसमें कैमरा मिल जाएगा जिससे कि अभी जो अपडेट्स वगैरह निकल के आ रही है और ये कंपनी जल्दी अपने जो नए स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च करने वाली है, इस तरह की कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा जो कि ठीक इसी तरीके का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं उस उम्मीद आपसे जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगले वीडियो में। चेक इट फॉर यू से। Should hear it.